हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेज। आज हम बात करेंगे गुलाब के मेजर फीडिंग की, जो मैं एक मेरे गार्डन में जो फर्स्ट फीडिंग मैंने बताई थी एनपीके और MgSO4 की, जो हफ्ते में आपको दो बार देनी है, उसके बाद जो मेजर फीडिंग जो मैं करता हूँ उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो मैं फीडिंग आज आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा और उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको आगे इसको फीडिंग देनी है अपने गुलाब के अंदर, अपने प्लांट के अंदर, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। वैसे तो मैं गुलाब की फीडिंग से ज़्यादा मैं गुलाब की फीलिंग पे ज़्यादा जोर देता हूँ मैं, और आप अगर गुलाब की फीलिंग को समझ सकते हैं तो डेफिनेटली फीडिंग अपने आप ही आप अच्छे ढंग से देंगे। आज मैं बताना चाहूँगा जो मेरी मेज़र फीडिंग जाती है ये ताकत है, ताकत के अंदर सचमुच ही ताकत है, और इसको जो बनाने वाले हैं, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो इसके रचयिता हैं कह सकते हैं, वो मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, डॉक्टर सुरेश पाटिल, और वो जाने माने इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत दिन मेहनत करके और बहुत काम करके इस ताकत को निकाला है। और इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको पहले बताना चाहूँगा, ताकत मेरे को कैसे मिला। बेसिकली एक बार मैं फ्लावर रोज़ जजिंग करने के लिए रोज़ कन्वेंशन पुणे गया हुआ था, और वहाँ पे एक सैंपल पीस मेरे को मिला था ताकत, और वो मैं आके गार्डन में अपने यूज़ किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। उसके बाद मैं ढूंढता रहा कि आखिर ये ताकत किसने बनाया, कौन बनाया, कैसे ये मार्केट में आया या कैसे वहाँ पहुँचा पुणे रोज शो में, लेकिन मेरे को इसका कोई लिंक नहीं मिला। लेकिन दो साल पहले जब मैं हैदराबाद रोज कन्वेंशन में गया हुआ था और जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे सुरेश पाटिल जी भी आए हुए थे, और उनसे बातचीत हो रही थी मेरी ताकत के बारे में, और मैं बताया कि मैं ताकत को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने बहुत ही सहज में बोला कि आपको कितना ताकत चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, बोलिए मैं देता हूँ आपको। तो मैं बताया कि आपको कैसे मालूम, तो तब उन्होंने इस बात को बताया कि ताकत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नवल एग्रो के थ्रू हो रही है और वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ताकत को मैं ही बना रहा हूँ मैं। तो आई वाज सो मच सरप्राइज्ड और बहुत खुशी हुई मेरे को कि आखिर फाइनली मेरे को ताकत मिल गई, और तब से आज तक मैं ताकत को यूज़ कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई माइंड में आपको शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कहीं से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ताकत को कैसे यूज़ करना है वो मैं बताना चाहूँगा। तो ताकत को यूज करने से पहले आपको मैं इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ताकत के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या खासियत है जो ताकत बाकी फर्टिलाइजर से अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है, वो मैं आपको एक डिटेल में एक कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक बार ये देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, ताकत के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो इसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं, जो खासियत है, जो इसकी खूबी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं क्या कारण है कि बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे अलग है ये। सबसे पहली बात कि इसके अंदर एक कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन है, यानी कि पूरे प्लांट को ग्रोथ के लिए, उसके फ्लावरिंग के लिए, उसके लीव्स के लिए, उसके रूट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, और ये हाई क्वालिटी फुली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं जो मेजर रोल में है वो एमिनो एसिड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एल्गी है, साइटोकिनिन है, ह्यूमेट्स है, फुलवेट्स हैं, और इसके अलावा जो माइक्रो रोल में है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो जो ताकत के अंदर सारे अवेलेबल हैं। अब मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ कि ताकत में जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उसका प्लांट के ऊपर क्या असर होता है और उसका बेनिफिट क्या है। जो इसके अंदर एमिनो एसिड है वो
जो प्लांट सेल होते हैं जो उसको स्ट्रेथन करता है, और जो बीमारी होती है पौधों के अंदर उससे फाइट करने में बहुत हेल्प करता है ये। और इसके अलावा एमिनो एसिड जो है क्लोरोफिल के लेवल को बढ़ाता है प्लांट के अंदर, और हम सबको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और खाना जो बनाते हैं उससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस जो एमिनो एसिड का फोटोसिंथेसिस से डायरेक्ट कनेक्शन है जो बहुत हेल्प करता है प्लांट को। इसके अलावा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट हैं वो हैं उसके अंदर 70 तरह के यानी 70 नेचुरल विटामिन्स मिनरल्स और एंजाइम्स मिले हुए हैं इसके अंदर। और ये आप समझ सकते हैं कि जब 70 नेचुरल विटामिन और मिनरल और एंजाइम्स मिले होंगे तो प्लांट को ओवरऑल डेफिनेटली हेल्प करेंगे हर तरह से, ग्रोथ लेने में, फ्लावरिंग में, लीव्स में, हर तरह से वो हेल्प करेंगे, जो बाकी किसी भी फर्टिलाइज़र में मैं नहीं समझता इतना मिलता होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि थोड़े अमाउंट में ही लेकिन इसके अंदर नेचुरल NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वो अवेलेबल है। नाइट्रोजन प्लांट्स के ऊपर काम पार्ट में काम करता है, फॉस्फोरस रूट में काम करता है, और पोटेशियम जो है प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करता है, फ्लावरिंग से लेकर लीव्स तक सारा काम करता है। तो वो नेचुरल NPK इसके अंदर अवेलेबल है। और ये जो आपका एमिनो एसिड है और सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसके कारण फ्लावर के अंदर बर्ड्स बहुत बनते हैं और फ्लावरिंग बहुत होते हैं प्लांट के अंदर। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट और हमें मिलता है कि जो आप अक्सर देखे होंगे कि छोटे छोटे स्टेम में ही फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गुलाब उगाने में और रोजारियंस के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ये देने से, जो ताकत देने से क्या होता है कि प्लांट जो फ्लावर का स्टेम है वो लंबा होता है, और जो फ्लावर की जो लाइफ है, वास लाइफ कहें और या स्टेम के ऊपर जो फ्लावर की लाइफ है वो लंबी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो रूट सिस्टम है उस पर बहुत काम करता है, उसको बहुत इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर जो एल्गी है, एल्गी का जो रोल है वो ये है कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऊपर तक ले जाने में या प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ले जाने में बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा फ्लावरिंग बूस्ट अप करता है, और हाई लेवल का प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और इसके अलावा जो एल्गिनेट्स हैं वो क्या करता है कि सॉयल कंडीशनर का भी काम करता है। वो कैसे काम करता है, वो जो मीडिया में, जो भी हमारा मीडिया है उसके अंदर जो मेटल्स हैं उसके साथ रिएक्ट करके एक पॉलीमर्स, लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का तैयार करता है, जो प्लांट मॉइस्चर रिटेन करने में और लंबे समय तक मॉइस्चर को मेंटेन करने में मीडिया में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो साइटोकिनिन्स हैं वो क्या करता है, सेल डिवीज़न जो प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब तक सेल डिवीज़न नहीं होगा प्लांट ग्रोथ नहीं लेगा, तो उसको बहुत इम्प्रूव करता है, उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से रूट और सूट दोनों में ही इसका फ़ायदा मिलता है। और जो सेल है वो अच्छा ग्रोथ लेते हैं प्लांट के अंदर। और जो ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं जो प्लांट के सबसे ऊपर पार्ट में जहाँ भी नए पत्ते निकलते हैं बर्ड्स में, वहाँ पर ये अच्छा ग्रोथ लेता है, और जिसकी वजह से ब्लाइंड सूट नहीं होते हैं गुलाब के अंदर। इसके अलावा जो ह्यूमेट्स और फुलवेट्स इसके अंदर मिले हुए हैं, वो ह्यूमेट्स में ह्यूमिक एसिड है, और ह्यूमिक एसिड बहुत हेल्प करता है प्लांट के अंदर, और जो प्लांट की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव करता है। जो प्लांट के अंदर जो हमारा मीडिया है उसके अंदर कोई चीज, किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है उसको ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा रूट डेवलपमेंट में काम करता है, हम सबको पता है कि ह्यूमिक एसिड रूट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। और ये वाटर, अगर ह्यूमिक एसिड आप प्रॉपर आप दे रहे हैं, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी प्लांट के अंदर बढ़ जाती है या सॉइल मीडिया में बढ़ जाती है। और एक ये
नेचुरल आपको मैं बताऊं कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये, यानी कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब मैं ये समझाऊंगा कि आपको ये रेडी टू यूज़ है, इमीडिएट काम करता है। जो भी चिलेटेड फॉर्म में होता है वो इमीडिएट काम करता है, बहुत लंबे समय तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये हम फर्टिलाइज़र दें उसके बाद कब ये यूज़ अपना असर करेगा और प्लांट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो चिलेटेड फॉर्म में हैं जो इमीडिएट इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल की बेनिफिट्स की बात करें नवल ताकत की, तो वो एक छोटा एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में आपको मैं बता दूं कि ये रूट फॉर्मेशन में काम करता है, यानी कि वाइट रूट जो होते हैं वो डेवलप करता है। और जब तक आपके प्लांट के अंदर, आपके गुलाब के अंदर अगर वाइट रूट डेवलप नहीं होगा तो प्लांट आपका प्रॉपर ग्रोथ नहीं लगा, क्योंकि वाइट रूट हेयर्स ही जो मीडिया के अंदर जो हम फीडिंग करते हैं वहाँ से वाइट रूट हेयर्स ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक पहुँचाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब तक वाइट रूट डेवलप नहीं होगा आपका प्लांट आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके प्लांट के ऊपर नए बर्ड्स निकल रहे हैं या आँखें निकल रही हैं या डेवलपमेंट हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि रूट के अंदर वाइट रूट हेयर्स जो हैं, जो सॉरी मीडिया के अंदर वाइट रूट हेयर्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए, वो अपना काम करना शुरू कर दिया। और आपका ऊपर गुलाब के ऊपर का पार्ट देखकर, मिट्टी के ऊपर का पार्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन के अंदर जो है या मीडिया के अंदर जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, और हमारे दिस इज़ द गुड साइन कि वाइट रूट हेयर्स निकलने शुरू हो गए और आपका डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। अगर आपके प्लांट के अंदर अगर ब्लाइंड सूट आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्लांट जो है वाइट रूट हेयर्स डेवलप नहीं कर रहा है। तो ये हमारा बेनिफिट है इसका ताकत डालने का कि इसमें ब्लाइंड सूट कम आते हैं क्योंकि ये वाइट रूट हेयर्स को डेवलप करता है। जो डोरमेंसी है डेफिनेटली डोरमेंसी ख़त्म करता है, और जो आप खाना देते हैं जो रेडी खाना होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाता है। इसके अलावा रूट स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम खाना देना भूल जाते हैं या अपने बिजी शेड्यूल में हम किसी दिन खाना नहीं दे पाए या कहीं हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए और हमारा प्लांट सिर्फ पानी पे जिंदा है, तो उस केस में क्या करता है कि जो ताकत है वो फर्टिलाइजर्स जो है की कमी जो है उस केस में ये पूरी करता है और प्लांट को एक रेगुलर फर्टिलाइज़र देता रहता है ये। इसके अलावा जो फ्लावरिंग साइज फ्लावर के साइज हैं वो साइज़ तो बढ़ाता है, इसके अलावा बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा करता है ये। और जो स्टेम होते हैं फ्लावर्स के, जो हमारा जिसको केन कहते हैं, वो बहुत ही सख्त और लंबा बनाता है ये। इसके अलावा जो डिजीज़ है उससे बचाता है ताकत, और गर्मी में जो हीट स्ट्रेस होती है गुलाब को प्रॉब्लम आती है, जो मैं गर्मी के मौसम में इस पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उस समय गर्मी से भी ये बचाता है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर एक ऐसा स्मेल है जो जिससे बहुत सारे कीड़े दूर भागते हैं। आप अगर स्प्रे कर देते हैं, आप उसको स्मेल कहिए, खुशबू कहिए, जो भी कहिए, उससे ये प्लांट के आसपास कीड़े कम लगते हैं और प्लांट से वो दूर रहते हैं, तो कीड़ों से भी ये बचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फास्ट ग्रोथ के लिए और चिलेटेड फॉर्म होने की वजह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट को बहुत इमीडिएट मिल जाता है, इसकी वजह से ओवरऑल प्लांट के ऊपर ये ताकत बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें एक और बात है कि जो फोलियस साइनिंग मेरे कई प्लांट में आप देखते होंगे, कई बार लोग मेरे को तारीफ भी करते हैं कि आपके आप अपने पत्तों में क्या डालते हो, गुलाब के ऊपर क्या डालते हो कि आपके गुलाब के पत्तों पर इतनी साइनिंग होती है, तो ये भी एक रीज़न है, ताकत भी एक रीज़न है कि मेरे पत्तों के ऊपर जो गुलाब के पत्ते हैं उसके ऊपर साइनिंग बहुत दिखती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे फ़ायदे हैं गुलाब के अंदर ताकत के। और अब आप आइए आपको मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और कब कब और किस मात्रा में अपने गुलाब के अंदर इसकी फीडिंग देंगे।
तो ताकत को यूज करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से सेक जरूर कर लें, और क्योंकि ये बहुत थिक लिक्विड है, इसको अच्छी तरह से यूज़ कर लें। और आप जब इसको खोलेंगे तो इसके लिए एक आपको कैप मिलेगी जिस पे मेज़रमेंट सारा लिखा हुआ है, कितना आपको मेज़र करना है, किस रेशियो से आपको अपने गुलाब के अंदर देना है, ये सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और ये एक खुला पैक है मेरे पास जो मैं उसमें से खोलूँगा। अगर आपके पास 10 लीटर पानी है, मैं हमेशा जो बताना चाहता हूँ 10 लीटर के अंदर ही बताना चाहता हूँ, 10 लीटर पानी के अंदर 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको ये ताकत लेनी है। और आप इसमें यानी कि 10 लीटर है तो हम इसमें 20 ml जो है ये डालेंगे। ये मैंने 20 ml ताकत ले लिया, नवल ताकत जो है, और ये 20 ml मैं 10 लीटर के पानी में मिला दिया। इसको अच्छी तरह से आप मिला देंगे। दूसरा जो इसमें लेना है, इसमें ये NPK लेना है, इसमें मिलाना है। पिछली बार मैं NPK को वेट करके बताया था कि किस तरीके से आपको देना है, लेकिन उसमें कई लोगों के पास वाजिब सवाल था कि सर हमारे पास वेट मशीन नहीं है, तो कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे कि हम आसानी से अपने गार्डन में हम दे सकें स्पून के जरिए। तो मैं जो NPK, हालांकि जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं उनका वज़न अलग अलग होता है, MgSO4 का अलग होता है, NPK का अलग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का अलग होता है वज़न, लेकिन फिर भी मैं आपको जो NPK का वज़न है राइट नाउ अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, NPK करीब 1 स्पून के अंदर आप इतना हीप करके लेंगे, 1 स्पून के अंदर ये 5 ग्राम से 8 ग्राम तक आता है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो 10 ग्राम तक जा सकता है। तो आप ये मान के चलें कि ये 8 से 10 ग्राम है, और इसको आपको अपने जो पानी लिया है 10 लीटर का उसमें मिला देना है, और वो 10 लीटर पानी में आपको कम से कम 20 ग्राम ये NPK देना है। जब प्लांट आपके बड़े हैं तो उसमें मैंने और 1 स्पून मैंने मिला दिया, तो यानी कि 20 ग्राम NPK उसके अंदर चला गया। और अब इसको हम पूरे तरीके से अच्छे से घोल देंगे और थोड़ा इसको फेंट देंगे ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी चला जाए, और उसके बाद हम गुलाब में आधे हाफ लीटर के हिसाब से सारे प्लांट के अंदर हम इसको दे देंगे। दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से आप अच्छा से अच्छा गुलाब उगा सकें। आप ये देख रहे हैं फेंटने के बाद इसके अंदर थोड़ा झाग बन रहा है, और इस तरह से इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, जितना फेंटेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके गुलाब के लिए। उसके बाद ये 1 लीटर के करीब मेरे मग के अंदर ये फर्टिलाइज़र आता है, पानी जो आता है, और उसके बाद जो आपका गुलाब है उसके अंदर आपको ऐसे घुमाते हुए पूरा चारों तरफ आपके मीडिया में चला जाए, ये आपको 1/2 लीटर आपको पानी देना है, जो खाद आपने बनाया है घोल बनाया है वो देना है। और ये मैं रूट के अंदर ये 1 लीटर पानी मैं 2 गुलाब के अंदर मैंने दे दिया। आप फिर इसको लेते हुए आप इसको अच्छे तरह से फिर से फेंट लेंगे, और इसके बाद फिर आपको जो गुलाब का पौधा है उसमें 1/2 लीटर डाल देना इस तरीके से। जितने भी आपके पौधे हैं उन पौधों में 1/2 लीटर करके आपको सारे पौधे में आपको ये घोल दे देना है। इसकी फीडिंग आपको हफ्ते में एक बार जरूर देनी है, जो रूट फीडिंग करनी है। तो अभी तक मैंने आपको बेसिकली 2 तरह की फीडिंग बताई जो रूट फीडिंग देनी है, और जब तक आपके फ्लावर नहीं आ जाते, जब तक फूल नहीं आते हैं, तब तक आपको 2 फीडिंग NPK और MgSO4 का देना है, और 1 फीडिंग ताकत और NPK का देना है जो रूट जोन में डालना है। तो दोस्तों आप अगले वीडियो के लिए वेट करें, अगले वीडियो में बताऊंगा फोलियर फीडिंग यानी पत्तों के ऊपर कैसे हमें फीडिंग देनी है। और कुछ लोगों का सवाल है कि मिट्टी में जो मेरे गुलाब हैं उनके लिए कैसे हमें फीडिंग करनी है, वो सारे आगे आने वाले अपने वीडियो में बताऊँगा।
टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ब्लेसिंग्स।